हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं होटल से विष्णुपुर, बट कल रात से मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मतलब इतना ठंड है यहाँ पे और आते टाइम वेदर चेंज हो रहा है, पूरा मेरा गला दुख रहा था। लास्ट में इतना पेन हो रहा था कि मुझे यहाँ पे विष्णुपुर के लोकल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर दिखाया मैंने, तो वो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया, एंटीबायोटिक्स। अभी थोड़ा फिलहाल ठीक हूँ। आज नया ब्लॉग में सबको स्वागत करता हूँ। मैं हूँ दिपज्योति आप लोगों के साथ। आज हम लोग जा रहे हैं गंगनी बोल के एक जगह है, मतलब वो है एक कैनियन, गांधी कोटा, जो इंडिया का ग्रेट कैनियन है, मतलब सबसे बड़ा कैनियन, तो वो है कर्नाटका में, और ये है बंगाल का ग्रेट कैनियन। हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, पूरा हम लोग पूरा तैयार है। मैं बस कॉपी कर रहा था, डेटा फाइल्स चार्जिंग पे बिठाया है, तो दादा भी रेडी हो गए। कल तो रात हम लोग, मैं और दादा दोनों मिलके, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे गए ना, दादा ने बोला कहाँ ले गए थे दादा आप, पुल गूगल ने दिखाया था, पुल बना ही नहीं है, पुल था ही नहीं उधर। मतलब गूगल ने हमको धोखा दे दिया। हम जाके देख रहे हैं वहाँ पे पुल वुल कुछ नहीं है, बस नदी के मतलब लोग इस पार उस पार हो रहे थे, एक नाव में चढ़ के, मतलब बाइक साइकिल सब कुछ नाव में चढ़ के उस पार हो रहे थे। हमने सोचा था कि पुल अगर होता तो उस पार जाएंगे, देखेंगे क्या है रात को, बट हमने रिक्स नहीं लिया तो हमने फिर से वापस यू टर्न ले लिया। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं गनगनी के तरफ। ये है विष्णुपुर का बस स्टैंड, तो यहाँ से कोलकाता का बस, दुर्गापुर का बस, सब तरफ से बस आता है। विष्णुपुर एक बहुत ही छोटा सा शहर है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो हिस्टोरिकल मंदिर है, मतलब वही देखने का बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग ने देखा लास्ट वीडियो में, बस पूरा पत्थर ही पत्थर है। मतलब रास्ता बनाएंगे, काम चल रहा है। ये ऐसा रास्ता होने से ना बाइक गाड़ी ये सब का टायर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। आई विश गनगनी का रास्ता सही हो। मैंने होटल वाले से पूछा है तो अब आया थोड़ा साफ सुथरा रास्ता। तो गाइस, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, मेरा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही घूमने का, बंगाल का, बहुत सारी जगह का वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, ये आ गया हाईवे एट लास्ट। बढ़िया है हाईवे, तो बस था भाई, हाईवे सही है। गाइस, ये एक नदी है और रास्ता देखो, जो भीगे गया था पूरा। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पुराना एक पुल था ना, मतलब फ्लड के कारण पूरा ही टूट गया एकदम। देखो दूर अगर दिख रहा है, पूरा एकदम पुल पूरा टूट गया। मतलब ये पुराना पहले रास्ता था, उधर से दिख रहा है, मतलब कितना तेज पानी आया होगा रेनी सीजन के टाइम, पूरा ही पुल टूट गया एकदम। तो चलो आगे चलते हैं। देखो मेरा ब्यूटी बर्ड को। हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए गंगनी के पास। यहाँ से थोड़ा और आगे जाके हम लोगों को राइट टर्न पे जाना पड़ेगा। ये रहा हुमगढ़ के तरफ हमको जाना पड़ेगा, और यही है गंगनी का रास्ता। ये है गौरबेटा पुलिस स्टेशन, तो हम लोग इधर अंदर घुस चुके हैं।
कुछ तो सरप्राइज वेट कर रहा है जो देख के लग रहा है। मतलब मैं तो ग्रैंड कैनियन पहली बार देखने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी देखो क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था उधर से। रास्ता देखो एकदम सुंदर सा नैरो एक वे है, बहुत ही सही लग रहा है। जस्ट जंगल के इस पार होगा या सामने है शायद। अरे फिर से हम लोग गलत रास्ते पे आ गए। নদীর ধারটা, কিন্তু দাদা এখান থেকে ব্রিজের স্পটটা অন্য জায়গায় দেখাচ্ছে। একটা ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজে যায়। হ্যাঁ আমার মানে এদিক দিয়ে না গিয়ে দাঁড়াও ওদিক দিয়ে। হ্যাঁ গিয়ে দেখবো একবার। হ্যাঁ তো ইয়ে ভাইয়া লোক শায়দ গনগনি কে তরফ যা রা, ইয়ে লোকাল লোক হ্যাঁ তো চলতে হ্যাঁ ইন লোক কে পিছে পিছে। देखो अब शुरू हो गया यहाँ पे रास्ता ख़त्म, अब शुरू हो गया मिट्टी का रास्ता। ओ भाई देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब रहने खाने का लॉज भी है भाई, बहुत सही जगह है। ओ भाई गाइस एट लास्ट पहुंच गए गनगनी। ये देख रहे हो ये है कैनियन। हम लोग अभी नीचे जाएंगे, उधर लोग गया है नीचे नीचे के तरफ, मतलब बहुत ही सही है। तो चलो इधर सब कुछ छोड़ के फिर चलते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए गनगनी के तरफ यहाँ पे, मतलब पूरा अंदर से रास्ता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलो नीचे जाएंगे, नीचे एक नदी के किनारे ही पूरा, मतलब पूरा ग्रैंड कैनियन बना हुआ है जो पत्थर से और मिट्टी से होता है, एक्चुअली लाल मिट्टी से। तो चलो जाएंगे नीचे, तो अभी थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते हैं, मतलब बहुत ही प्यास लगा है। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा खाली जगह होगा, बट देख रहे हो यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ जगह है और यहाँ पे रिसोर्ट भी है एक बड़ा सा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे आके मतलब स्टे भी कर सकते हैं। तो इधर लोग पिकनिक करने भी आते हैं हमने देखा, और यहाँ पे साइकिल बाइक स्टैंड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी कोई चाहे तो आके यहाँ पे रह सकता है। सही से बहुत आराम से जाना पड़ेगा, पूरा मिट्टी का रास्ता है, मतलब बहुत पैर दबा दबा के चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार फिसल गए ना तो पूरा सीधे एकदम। देखो भाई एक बार अगर फिसल गए, कितना धीरे आराम से जाना पड़ रहा है, दादा कैसे जा रहा है। ओ भाई साहब अगर फिसल गए ना पूरा ही गए एकदम नीचे। ये जो है ना, मतलब
पहाड़, बाजू में नदी है, तो नदी का जो लहर आता है, मतलब जब बारिश होता है तो उस टाइम फ्लड होके ये पहाड़ टूट टूट के ये बनता है, तो इसको कैनियन बोलते हैं। और ये पूरा लाल मिट्टी का है, मतलब गांधी कोटा जो है कर्नाटक में वो भी पूरा लाल मिट्टी का है, वो इंडिया का सबसे बड़ा कैनियन है। बहुत तेज़ धूप है भाई, मतलब बॉइल्ड हो जा रहा है, बहुत तेज़ धूप है। मतलब अभी नवंबर है, यहाँ पे इतना तेज़ धूप, मतलब सर गर्म हो गया ऑलरेडी भाई। बट सीनरिक ब्यूटी मस्त है बिल्कुल। देखो दादा फोटो खींचना शुरू हो गए, चलो खींच लो खींच लो, और क्या। जगह बिल्कुल मस्त है घूमने का, अगर ऐसी जगह पे घूमने का मन होता है कि एडवेंचर करेंगे, घूमने आएंगे आउटस्कर्ट पे, ऑफ बीट पे। ये वेस्ट बंगाल का एक ऑफ बीट वाला ही जगह है जहाँ पे तुम वीकेंड पे एक दिन के लिए घूमने आ सकते हो, 2-3 घंटे के लिए। तो ये कोलकाता से करीब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, तो अगर मॉर्निंग को निकलते हो तो इवनिंग को ईजिली आके घूम के इधर खाना वाना खा के इवनिंग तक घर पहुंच जा सकते हो। बहुत ही सही जगह है भाई, अलग ही सुकून है यहाँ पे। बस धूप है और कुछ नहीं, बट ये सब जगह के लिए तो धूप चलो फिर भी सह लेंगे, बट ये ब्यूटी बस मेमोरी होके रह जाएगा, कब आएंगे फिर पता नहीं। तो तुम लोग भी एंजॉय करो वीडियो के साथ। ये जो नदी के किनारे का मज़ा है ना, और ये नदी में तो सब नहा भी सकते हैं क्योंकि कमर तक पानी है, सब लोग यहाँ आके नहा रहा है, पूरा एकदम मस्ती कर रहा है पूरा एकदम सब लोग। देखो जरा गाइस, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप में आते हैं ना, या तुम लोग ग्रुप में आओगे, मतलब 10-12 जन 15 जन जितना भी लोग हो, तो आके मज़ा आएगा यहाँ पे, मतलब नहा के पूरा एकदम मस्ती करके फ्री में। स्विमिंग पूल का एक अलग फीलिंग होता है, बट नदी में नहाने का एक अलग फीलिंग होता है। मेरे हिसाब से स्विमिंग पूल में नहाने का कोई फीलिंग ही नहीं है, नदी में नहा के जो मतलब पानी के लहर आ रहा है उसमें से, उसके बीच में से जाके तैर के, मतलब कुछ भी करके बहुत मज़ा आता है नदी में। देखो एकदम पूरा पानी तो बिल्कुल ठंडा है एकदम, मेरा तो बहुत मन कर रहा है नहाने का, बट क्या करूँ, मुझे ठंड लग गई कल रात को, अब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि कल जाके फिर ऑफिस ज्वाइन करना है। तो गाइस एट लास्ट, मतलब उधर से नीचे इतना धूप है, घूम के आने के बाद अभी थोड़ा सा भूख लग गया है, तो थोड़ा अभी मैगी खा रहा है। यहाँ पे चाय का दुकान है बहुत सारा, तो एक दुकान पे हम लोग बैग रख के गए थे, इधर बैग छोड़ के गए थे क्योंकि बैग नहीं ले जा सकते, मतलब इतना भारी है, लैपटॉप वगैरह सब कुछ सामान है। हम लोग बस मैगी खा के इधर आंटी के दुकान पे रुके हैं, तो मैगी खा के अब निकल जाएंगे। तो हम लोग अभी आरामबाग होके नहीं, हम लोग मेदिनीपुर होके जाएंगे क्योंकि आरामबाग का रास्ता बहुत ही ख़राब है, मतलब आने के टाइम जो दिक्कत हुआ है, तो मतलब जाने के टाइम अब वो दिक्कत फिर से मतलब सहना नहीं है। मेदिनीपुर होके जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा किलोमीटर भी ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ दैट कि आराम से जा पाएंगे, रास्ता भी बहुत सही है उधर। तो चलो देखते रहो वीडियो के साथ, रहो पूरा वीडियो देखते रहो। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं गनगनी से, अभी हम लोगों का डेस्टिनेशन है बैक टू बेबीलोन, मतलब घर जाएंगे। हम लोग वीकेंड का अच्छा सा एक ट्रिप कर लिया है ऑलरेडी, तो आप लोग आई होप वीडियो को एंजॉय किए हो, एंड
अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करो सबके साथ, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलो गाइस आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो पे हम फिर से मिलेंगे, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आपके लिए वीडियो और ला सकूं। और सब लोग अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना। अभी वेदर चेंज हो रहा है तो बहुत ध्यान रखना, सब सेफ रहो एंड स्टे हेल्दी। चलो टाटा।